Hey guys, welcome back on my YouTube channel Learn with Fun Balshi. So this is the second lecture of topic Reproduction in Organism. So in the first video हम बात कर चुके थे कि reproduction कितने type का होता है. So सबसे पहले आज इस video के अंदर मैं आपसे बात करने वाली हूँ asexual reproduction के बारे में. ठीक है, अब सबसे पहली बात है कि asexual reproduction में दो important चीजें होती हैं. पहली बात, single parent involved होता है और इसमें कोई भी गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है. मेल और फीमेल गैमीट दोनों फ्यूज नहीं होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज. उसके बाद सिंगल पेरेंट क्या करता है, सिंगल पेरेंट एग्जैक्ट कॉपी बनाता है अपने जैसी. ठीक है, एक होता है आइडेंटिकल, आइडेंटिकल नहीं बनाता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट है वो जो अपना बच्चा बनाता है वो बिल्कुल सेम एग्जैक्ट अपने जैसा. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है क्लोन. क्लोन का मतलब क्या होता है, क्लोन का मतलब जो कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर हो उनको कहा जाता है क्लोन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है. मैं आपको वैसे भी यहाँ पर सिर्फ एनसीईआरटी का निचोड़ देने वाली हूँ, जो लाइनें इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो इंक्लूड करने वाली हूँ. अदरवाइज एनसीईआरटी में ऐसी बहुत सी लाइनें हैं जहां से क्वेश्चन शायद नहीं भी पूछे जाते हैं और नहीं पूछे गए हैं आज तक, तो उनको मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूँ. तो चलो, क्लोन का मतलब क्या हो गया, जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल होते हैं उन्हें कहा जाता है क्लोन. आगे बढ़ते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में जो सेल डिवीजन होता है वो इक्वल्स टू होता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, मतलब कि जैसे कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो सेल डिवीजन होना है उसको ही क्या कहा जाता है, उनका एक तरीके का रिप्रोडक्शन. बट ऐसा मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, उनमें सेल डिवीजन इज अ डिफरेंट थिंग, रिप्रोडक्शन इज अ डिफरेंट थिंग. बट आपको याद रखना है जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल डिवीजन इज इक्वल्स टू द रिप्रोडक्शन. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा बाइनरी फ्यूजन के बारे में. बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, देखो बाई मतलब क्या होता है, दो. बाई मीन्स क्या होता है, दो. तो आपको याद रखना है बाइनरी फ्यूजन में सेल जो है वो डिवाइड कर जाती है इंटू टू हाफ, दो हाफ में बढ़ जाती है और वो दोनों हाफ ग्रो करते हैं इंटू एन एडल्ट. फॉर एग्जाम्पल मान लो ये अमीबा है. ठीक है, ये मान लो मैंने अमीबा बनाया और ये अमीबा दो पार्ट्स में बट गया, दो पार्ट्स में हमने इसको सेल डिवाइड कर दी. ठीक है, दो हाफ में डिवाइड कर दी, तो ये वाला जो हाफ है ये एक नया एडल्ट बना देगा और ये वाला जो हाफ है ये एक नया एडल्ट बना देगा, जिसको क्या कहा जाता है, बाइनरी फिजन. सबको समझ में आया, बाई मतलब दो. इसके एग्जाम्पल में आता है अमीबा एंड पैरामीशियम. ठीक है, तो इसको कैसे याद रखोगे, पा ऐसे याद हो सकते हो वरना एपी से भी याद हो सकते हो चाहो तो. तो ये सिंपल सा है, अमीबा और पैरामीशियम, इन दोनों में क्या होता है, बाइनरी फिजन. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द बडिंग. ठीक है, बाइनरी फ्यूजन हो गया, उसके बाद सेकेंड आता है बडिंग. बडिंग में क्या होता है, इट इज एन अनइक्वल डिवीजन. जैसे कि आपने बाइनरी फ्यूजन पढ़ा था तो उसमें क्या हो रहा था, दो हाफ में बट गए थे. अब यहां पर जब आप बडिंग पढ़ोगे तो बडिंग में देखोगे क्या होती है, एक अनइक्वल डिवीजन होता है, इसमें छोटी छोटी सी बड्स निकल आती है. ठीक है, इनिशियली वो बर्ड्स अपने पेरेंट्स से अटैच रहती हैं. ठीक है, शुरू शुरू में जो बर्ड्स निकलती है पर धीरे धीरे जैसे कहते हैं ना बड़े होते जाते हैं बड़े होते जाते हैं, तो वो क्या हो जाती है, अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाएगी. और सेपरेट जब अपने पेरेंट्स से होगी तो क्या होता है, मैच्योर हो जाएगी. जैसे कि अब हम ही लोगों को ले लो, हम लोग जैसे जब बच्चे होते हैं, हम जब शुरू में होते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं 12th तक होते हैं तो अपने पेरेंट्स से अटैच रहते हैं, है ना, पेरेंट्स अटैच रहते हैं. बट जैसे जैसे कि क्या होता है कि हम बाहर अपने कॉलेज में पढ़ने के लिए आ जाते हैं तो अपने पेरेंट्स से थोड़े से सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि हम तब एक घर में नहीं रह रहे होते हैं. तो जब अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाते हैं तो क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, क्योंकि तब हमें अपने सारे डिसीजन खुद से लेने पड़ते हैं, छोटू मोटू से डिसीजन. ठीक है, तो मैच्योरेशन होने लगता है. सो ये बात होगी बेटा बडिंग की. नाउ जस्ट वॉच कि कैसे हाइड्रा में बडिंग होती है. ये देखो, ये एक एडल्ट हाइड्रा है. इस एडल्ट हाइड्रा में ये ऊपर की तरफ जो है ये टेंटिकल्स हैं, नीचे उसका हाइपोस्टोम है. अब इसमें देखते हैं बडिंग कैसे हो रही है. देखो, एक उसके बॉडी से बड बाहर निकला, शुरू में ये पेरेंट से अटैच रहा और लेटर ऑन ये उससे सेपरेट होके मैच्योर हो जाएगा. बडिंग के एग्जांपल्स क्या हैं, तो बडिंग के हैं आपके दो एग्जांपल्स, इनको आप इजिली याद रख सकते हो. देखो, जब आप ईस्ट पढ़ते हो तो ईस्ट में क्या आता है, पहले वाई आता है और हाइड्रा में भी वाई आता है, तो इस बात को याद रखना. ठीक है, तो इससे आपको याद रहेगा कि ईस्ट एंड हाइड्रा
दोनों किसके एग्जाम्पल है, बडिंग के। और बाइनरी फ्यूजन के एग्जाम्पल कौन है, अमीबा एंड पैरामीशियम। चलो सिंपल सी बात है, बाइनरी फ्यूजन के एग्जाम्पल्स कौन है, आप, ठीक है, आप से क्या हो गया, अमीबा एंड पैरामीशियम। आगे बात करते हैं, देखो अब जैसे कि फंजाई और एल्गी, फंजाई और एल्गी में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली होता है, क्योंकि तब तक उनमें वो इतने एडवांस नहीं होते हैं कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छे से कर सके। क्योंकि आप लोग जब पढ़ते हो ना एल्गी, तो एल्गी में जो थर्ड टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा रोडोफाइसी, रोडोफाइसी में अच्छे तरीके से मतलब ढंग से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना स्टार्ट होता है, ठीक है। सो फंजाई और एल्गी में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब उनके लिए अदर अदर क्या क्या चीजें हैं उनका नाम हम जान लेते हैं, उनके पास क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये चारों स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अभी के अभी याद कर लो क्लास के अंदर ही। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं जू स्पोर्स, जू स्पोर्स कैसे होते हैं बेटा, मोटाइल। जू मतलब क्या होता है, जू समझ लो चलने वाली चीजों को बोलते हैं, ठीक है, जू स्पोर्स। तो दे आर मोटाइल एंड माइक्रोस्कोपिक, मतलब बहुत छोटे छोटे से होते हैं। कोइनिडिया, कोइनिडिया कैसे होते हैं, ये मिलते हैं हमें पेनिसिलियम में, और पेनिसिलियम इज द एग्जाम्पल ऑफ फंजाई, ठीक है। अब एक बात याद करो बेटा, जब पेन होता है, पेन के ऊपर एक कोन निकली होती है, देख रहे हो आप, मार्कर में भी आपको एक कोन दिख रही होगी, तो ऐसे याद रखो पेन की क्या है बेटा, कोन है। तो पेनिसिलियम जब भी याद करोगे तुरंत तुमको क्या याद आएगा, कोनिडिया। आगे बढ़ते हैं, बड्स हाइड्रा, तो ये मैं बताई चुकी हूं, बडिंग में हाइड्रा आता है, और जेम्यूस स्पॉन्ज, ठीक है। तो ऐसे समझो जैसे कि हम लोग वो जैम खाते हैं ना, जैम जेली वगैरह, तो वो कैसी होती है, छूने में बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होती है ना, स्पॉन्ज जैसी, इसको दबाओगे तो दब जाएगी। तो ऐसे समझो कि स्पॉन्जेस कैसे हैं बेटा, जैम कैसे हैं, स्पॉन्जेस की तरह है, ठीक है, जैम कैसे हैं, स्पॉन्जेस की तरह। तो बस एक सिंपल सा आपको यहाँ पर आइडिया लगाना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। और मेरे हिसाब से आई थिंक इन लेक्चर्स के थ्रू जो कि आज मैंने आपको पढ़ाया है, आपको सारे एग्जाम्पल्स बहुत प्रॉपरली याद हो गए होंगे। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।